आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी विद चिकन मिक्स वेजिटेबल। ये मैंने एक पैकेट स्पेगेटी ली थी, इसे मैंने बॉईल करके रखा है। इसमें थोड़ा सा मैंने कलर डाला था और नमक और ऑयल डाल के इसे मैंने बॉईल कर दिया। देखिए एक एक अलग अलग है। ऑयल में हसबे ज़रूरत लूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, ऑस्टर सॉस 1/2 टेबल स्पून। चिकन मैंने 1 कप ली है, मिक्स वेजिटेबल भी मैंने 1 कप ली है। टमाटर पेस्ट बना लिया है मैंने, 2 टमाटर को पीस लिया है। 1/2 मैंने प्याज लिए है, उसे चॉप कर लिया है। थोड़ा सा विनीगर है और ये टमाटर केचप है 2 टेबल स्पून, क्रश पेपर रेड क्रश पेपर 1 टेबल स्पून, या हसबे ज़रूरत चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और नमक हसबे ज़रूरत। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अनियन, प्याज प्याज में थोड़ा सा कलर आया है, इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा डालते ही इसकी आवाज आने लगती है, भून रही है। थोड़ा सा अदरक लहसुन, हम इसमें डालेंगे चिकन। अच्छे से मिक्स करना है, इसका कलर चेंज हो जाए, पानी ड्राई हो जाए। देखिए पानी ड्राई हो गया, इसमें धनिया सॉरी धनिया लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी है और नमक हल्दी तो थोड़ा सा इसी मसाले में हम भूनेंगे इसे। हमने सब भून लिया तो इसी क्रश करता मिर्चें आप अपनी मर्जी के हिसाब अपने हिसाब से डालें, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम पसंद है। देखें टमाटर का पानी ड्राई हो गया, ऑयल नजर आ रहा है, घी पकाई है। अब
अब हम इसमें डालेंगे मिक्स वेजिटेबल। ये फ्रोजन है, इतनी ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती इसे। मसाले आप अपनी मर्जी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ये मुझसे किसी को कम पसंद है किसी को ज़्यादा। कम ही बनाएं क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्चे नहीं खाते, कम ही डालें स्पाइसी से ज़्यादा अच्छा। अब हम इसमें डालेंगे केसर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अस्टर्ड सॉस, मिक्स कर देंगे। यह हमारा अंडा थोड़ा सा मैंने इसे फ्राई किया है, ये भी मैं काट के इसके ऊपर डाल दूँगी। ये हमारा रेडी है। बस अब हम इसमें स्पेगेटी डालेंगे और स्पेगेटी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये हमने डाल दिए स्पेगेटी और हम मिक्स कर देंगे। ये मेरा इसमें घी पतीली छोटी है, अच्छे से मिक्स कर दें। आज सिलो पे रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। सोया सॉस में थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से डाल दिया और इसे मिक्स करना। ये हम थोड़ी सी ओरिगानो डाल देंगे ऊपर से। थोड़ी सी ओरिगानो डाल दें। पांच मिनट के लिए इसको हम धीमी आंच पे रखेंगे। देखें बस हमारी स्पेगेटी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें हमारी स्पेगेटी हमने निकाली है। थोड़ा सा हमने इसे टमाटर और अंडे से गार्निश कर दिया है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ओके, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।